साथियों आप लोग यहाँ से प्रश्न नंबर 6 को नोट कर लें और उसी के अथवा में प्यारे विद्यार्थियों आपसे प्रश्न नंबर 6 का वाला क्वेश्चन दिया गया है और उसके बाद में आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ से आप लोग प्रश्न नंबर 7 को नोट कर लें और उसके बाद में प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एक और नए वीडियो में। प्यारे विद्यार्थियों आज हम यहाँ से देखने वाले हैं वार्षिक परीक्षा कक्षा 9वीं का आपका सामाजिक विज्ञान विषय का पूरा क्वेश्चन पेपर और इसका सॉल्यूशन। जी हाँ प्यारे विद्यार्थियों आज हम आपका 8 अप्रैल को होने वाला सामाजिक विज्ञान विषय का पूरा क्वेश्चन पेपर देखने वाले हैं, तो इसलिए आप सभी लोग यहाँ से इस वीडियो को पूरा अंतिम समय तक देख कर जरूर जाएँ ताकि प्यारे विद्यार्थियों आप सभी को ये सामाजिक विज्ञान विषय का पूरा क्वेश्चन पेपर अच्छे से समझ में आ सके। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों आप लोग यहाँ से इसको देख लें, यहाँ पर इस प्रकार का पूरा आपका सामाजिक विज्ञान विषय का क्वेश्चन पेपर होगा जैसा कि आज मैं यहाँ से आपको बता रहा हूँ, जिसमें कि प्यारे विद्यार्थियों आपसे टोटली 23 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और ये टोटल प्यारे विद्यार्थियों आपका 75 नंबर का पेपर होगा। तो चलिएगा आप आगे बढ़ते हैं, समझते हैं कि आपका पूरा क्वेश्चन पेपर किस प्रकार का आएगा और इसका सॉल्यूशन आपको कैसे पूरा तैयार कर लेना चाहिए। देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों आप सभी लोग यहाँ से इस वीडियो को पूरा देख कर जरूर जाएँ क्योंकि प्यारे विद्यार्थियों इस वीडियो में आपको प्रश्न नंबर 1 से लेके 23 तक का पूरा सॉल्यूशन दिया जाएगा, तो इसलिए आप सभी लोग यहाँ से इस वीडियो को पूरा अंतिम समय तक जरूर देखें। इसके अलावा प्यारे विद्यार्थी देखिएगा आज हम यहाँ पर सेट ए का पूरा सॉल्यूशन बताने वाले हैं और दोस्तों देखिएगा बाकी के जो आपके सेट हैं सेट ए बी सी डी ई एफ उन सभी का सॉल्यूशन प्यारे विद्यार्थियों मैंने यहाँ पर आपको उपलब्ध करवाया है, इसकी लिंक यहाँ पर आपको नज़र आ रही होगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो आप सभी सेटों को अच्छे से जरूर देख लें। तो चलिएगा आप आगे बढ़ते हैं, देखते हैं समझते हैं कि कक्षा 9वीं का सामाजिक विज्ञान विषय का पूरा पेपर आपका किस प्रकार का परीक्षाओं में आपसे पूछा जाएगा और इसका सॉल्यूशन आपको कैसे पूरा कंप्लीट कर लेना चाहिए। देख सकते हो प्यारे विद्यार्थी टोटली आपका पेपर जो होगा इसी प्रकार का होगा, आप लोग चाहे तो यहाँ से इसके कोड को देख लें, इस प्रकार का पूरा प्यारे विद्यार्थियों आपके पेपर में आपको कोड देखने को मिलेगा। देख लीजिएगा प्यारे विद्यार्थियों जो कोड यहां पर दिया गया है वही का वही कोड आपका इस जगह पर लिखा गया है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं, समझते हैं आपके सामाजिक विज्ञान विषय के पूरे क्वेश्चन पेपर को और इसके सॉल्यूशन। प्यारे विद्यार्थियों देखिएगा इस प्रकार का पूरा आपका क्वेश्चन पेपर होगा, आप सभी लोग यहां से इसको अच्छे से देख लें और पूरा समझ लें। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों पहले क्वेश्चन का उत्तर देखते हैं, नमामि देवी नर्मदे किस राज्य सरकार द्वारा प्रारंभ की गई? तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों इसका उत्तर आपका आ जाएगा मध्य प्रदेश। उसके बाद में अगला क्वेश्चन देखते हैं, किस राज्य में साक्षरता का प्रतिशत सबसे अधिक है? तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों ये जो क्वेश्चन पूछा गया है इसका उत्तर आपका केरल आ जाएगा, आप लोग यहाँ से इसको नोट कर लें। रूस की क्रांति कब हुई? तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों ये 1917 में हुई थी, हिटलर के प्रचार मंत्री थे। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों गोबेल्स ये इसका उत्तर आ जाएगा। उसके बाद में अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या लिखा है, कौन सी अवधारणा लोकतंत्र की है? तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों 5 नंबर का जो क्वेश्चन दिया गया है इसका उत्तर आप लोग लिख लेंगे, स्वतंत्रता की जो अवधारणा ये लोकतंत्र की है। अगला क्वेश्चन लिखा बंगाल में कब अकाल पड़ा था? तो ये प्यारे विद्यार्थियों 1943 इसका उत्तर होगा। अब इसके बाद में आगे बढ़ते हैं, तो यहाँ से आप लोग रिक्त स्थान पूर्ति को देख लें, क्वेश्चन नंबर 2 में प्यारे विद्यार्थियों आपसे रिक्त स्थान पूर्ति पूछी जाएगी। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों पहले रिक्त स्थान को देखते हैं क्या लिखा है, भारत विश्व का बड़ा देश है। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों भारत जो है विश्व का 7वां बड़ा देश है, आप लोग यहाँ से इसको नोट कर लेंगे। और उसके बाद में अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या लिखा है, यहाँ पर दिया गया है भारत में हमेशा जन्म दर से मृत्यु दर से अधिक रही है। तो इस जगह पर प्यारे विद्यार्थियों आपको लिखना होगा मृत्यु दर इस जगह पर आ जाएगा। उसके बाद में अगला क्वेश्चन देखते हैं, दूसरे विश्व युद्ध की शुरुआत में हुई थी? तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों दूसरे विश्व युद्ध की शुरुआत 1939 में हुई थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या लिखा है, चुनाव का मतलब राजनीतिक है? तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों चुनाव का मतलब क्या होता है, राजनीतिक प्रतियोगिता, यहाँ से आप लोग नोट कर लेंगे इसको, राजनीतिक प्रतियोगिता चुनाव का मतलब होता है। उसके बाद में अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या लिखा है, तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों यहाँ पर दिया गया है कृषि एवं मछली पालन क्षेत्र से संबंधित है, कौन से क्षेत्र से संबंधित है? तो यहाँ से आप लोग देख लें प्राथमिक क्षेत्र से संबंधित है। उसके बाद में अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या लिखा है, कृषि एक कार्य है? तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों कृषि एक कौन सा कार्य है? तो यहाँ से आप लोग नोट कर लेंगे, कृषि एक प्यारे विद्यार्थियों मौसमी कार्य है, इस जगह से आप लोग इसको नोट कर लें। उसके बाद में अगला क्वेश्चन देखते हैं, तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों क्वेश्चन नंबर 3 में इस प्रकार से आपसे जोड़ी पूछी जाएगी, आप सभी लोग यहाँ से जोड़ी को अच्छे से देख लेंगे और समझ लेंगे। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों जोड़ी में पहले नंबर की जोड़ी को देखते हैं क्या लिखा है, देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों पहले नंबर की जोड़ी का मिलान आप लोग अणा से कर लें, उसके बाद में दूसरे नंबर पर जो लिखा गया है इसकी जोड़ी का मिलान प्यारे विद्यार्थियों आप लोग चा से कर लें। उसके बाद में वॉल स्ट्रीट एक्सचेंज, तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों ये है आपका अमेरिका का शेयर बाजार। ब्रह्मपुत्र, तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों चौथे नंबर की जो जोड़ी दी गई है इसका मिलान आपका इससे हो जाएगा, चीन की जोड़ी का मिलान प्यारे विद्यार्थियों इससे कर लेना है। अधिक उपज देने वाले बीज को क्या कहते हैं? देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों यहाँ पर थोड़ा सा आप लोग ध्यान रखें, गुप्तचर पुलिस की जोड़ी का मिलान आपको करना था चेका से, और अधिक उपज देने वाले बीज इसकी जोड़ी का मिलान प्यारे विद्यार्थियों आपका हो जाता HYB बीज से।
तो इस प्रकार से प्यारे विद्यार्थियों आप सभी लोग यहाँ से जोड़ के मिलान को पूरा कंप्लीट कर लें और उसके बाद में आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ से प्यारे विद्यार्थियों आप लोग एक शब्द या एक वाक्य में उत्तर को देख लें। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं, दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो यहाँ से आप लोग नोट कर लें, गंगा। उसके बाद में अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या लिखा है। यहाँ पर लिखा गया है, दक्षिण दोलन से जुड़ा हुआ एक लक्षण क्या है। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, इसका एक लक्षण है एल नीनो। यहाँ से आप लोग नोट कर लें, एल नीनो इसका लक्षण है। उसके बाद में अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या लिखा है। यहाँ पर दिया गया है, नवीन जनसंख्या नीति की घोषणा कब की गई। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, इसकी घोषणा की गई थी 15 फरवरी। यहाँ से आप लोग नोट कर लें, 15 फरवरी 2000 में इसकी घोषणा की गई थी। तो इस प्रकार से आप लोग नोट कर लें इसको। उसके बाद में अगला क्वेश्चन, यूनानी में क्रोशिया का क्या अर्थ होता है। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, यूनानी में क्रोशिया का अर्थ होता है शासन। यहाँ से आप लोग नोट कर लें। उसके बाद में अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या लिखा है। यहाँ पर लिखा गया, यंग इंडिया पत्रिका का संपादन किसने किया। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, इसका उत्तर आपका आ जाएगा, महात्मा गांधी ने किया था। तो यहाँ से आप लोग नोट कर लें, महात्मा गांधी ने इसका किया था। उसके बाद में अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या लिखा है। यहाँ पर दिया गया, नागरिकों का प्रतिनिधि चुनने का अधिकार क्या कहलाता है। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थी, इसको मताधिकार कहा जाता है। आप लोग इस जगह से इसको नोट कर लेंगे। और उसके बाद में अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, क्वेश्चन नंबर 5 में सत्य असत्य इस प्रकार से आपसे परीक्षाओं में पूछे जाएंगे। पहला देखते हैं प्यारे विद्यार्थियों, भारतीय मानसून से होने वाली वर्षा अनिश्चित होती है। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, बिल्कुल सत्य होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, केरल में प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या 995 है। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, यह आपका असत्य होगा। इसके बाद में, भारत में 20 वर्ष और उससे ऊपर की आयु के सभी नागरिक चुनाव में वोट डाल सकते हैं। तो ये आपका असत्य होगा। उसके बाद में, पालमपुर में ज़्यादातर लोग वस्तु व्यापार नहीं करते हैं। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, ये जो चौथे नंबर का क्वेश्चन दिया गया है, ये भी आपका असत्य होगा। उसके बाद में अगला क्वेश्चन, जनसंख्या वृद्धि से गरीबी बढ़ती है। तो ये भी आपका सत्य हो जाएगा। उसके बाद में अगला क्वेश्चन, एकीकृत बाल विकास सेवाएं 1975 में शुरू की गई। तो ये भी आपका सत्य हो जाएगा। इस प्रकार से प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी लोग यहाँ से सत्य असत्य को देख लें और उसके बाद में आगे के क्वेश्चन पूछे गए हैं, आप सभी लोग यहाँ से इन प्रश्नों को देख लें। देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, आगे अब आपको मैं क्वेश्चन नंबर 6 से लेकर 23 तक का फुल सॉल्यूशन बताने वाला हूँ। तो आप सभी लोग इस वीडियो को पूरा अंतिम समय तक देख कर जरूर जाएँ। तो देखिएगा, इस प्रकार के क्वेश्चन आपके पेपर में आपसे पूछे जाएंगे। आप सभी लोग यहाँ से इनको देख लें। देखिएगा, टोटली इसी प्रकार का पूरा क्वेश्चन पेपर होगा। आप सब लोग यहाँ से इसको देख लें अच्छे से और समझ लें। अब इसके बाद में प्यारे विद्यार्थियों, आपको मैं पूरा क्वेश्चन पेपर के साथ साथ में इसका फुल सॉल्यूशन भी देने वाला हूं। तो पहले आप लोग यहां से इसका पूरा पेपर देख लें। तो देखिएगा, इस प्रकार का पूरा आपका क्वेश्चन पेपर आपको परीक्षा में मिलने वाला है। तो चलिएगा, आप आगे बढ़ते हैं, देखते हैं आपके प्रश्न नंबर 6 से लेके 23 तक के सभी प्रश्न और इन प्रश्नों के उत्तरों को। तो ये रहा प्यारे विद्यार्थियों, आपका सामाजिक विज्ञान का सेट ए। आप सभी लोग यहाँ से इसको ध्यानपूर्वक देख लीजिएगा। ये आपके सभी के भविकल्पी प्रश्नों के उत्तर हैं। उसके बाद में प्यारे विद्यार्थियों, आपका एक क्वेश्चन नंबर 2 का उत्तर लिखा है, जिसमें कि आपसे रिक्त स्थान पूछे गए हैं। तो आप लोग इनको भी देख लेंगे। इसके अलावा प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ पर आपको ये क्वेश्चन नंबर 3 दिया गया है, जिसमें कि आपसे जोड़ी पूछी गई है। तो आप लोग यहाँ से इसको देख लें। उसके बाद में प्यारे विद्यार्थियों, क्वेश्चन नंबर 4 लिखा है, जिसमें कि आपसे ये क्वेश्चन पूछे गए हैं, भारत की सबसे लंबी नदी। ये एक वाक्य या एक शब्द में उत्तर लिखे हैं। तो आप सभी लोग यहाँ से इनको नोट कर लें। उसके बाद में प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ पर आपको ये सत्य असत्य दिए गए हैं। और उसके बाद में प्यारे विद्यार्थियों, आप लोग यहाँ से प्रश्न नंबर 6 को नोट कर लें और उसी के अथवा में प्यारे विद्यार्थियों, आपसे प्रश्न नंबर 6 का अथवा वाला क्वेश्चन दिया गया है। और उसके बाद में आगे बढ़ते हैं, तो यहाँ से आप लोग प्रश्न नंबर 7 को नोट कर लें और उसके बाद में प्यारे विद्यार्थियों, क्वेश्चन नंबर 7 का अथवा वाला प्रश्न का उत्तर लिखा है। उसके बाद में प्यारे विद्यार्थियों, आप लोग यहाँ से प्रश्न नंबर 8 को नोट कर लें और ये प्रश्न नंबर 8 का अथवा वाला क्वेश्चन दिया गया है। और उसके बाद में आगे बढ़ते हैं, तो ये प्रश्न नंबर 9 लिखा है, इसको आप लोग नोट कर लें। और उसके बाद में प्यारे विद्यार्थियों, क्वेश्चन नंबर 9 का अथवा वाला प्रश्न का उत्तर ये लिखा गया है। आप लोग यहाँ से इसको अच्छे से नोट कर लें। और उसके बाद में प्यारे विद्यार्थियों, आगे बढ़ते हैं, तो क्वेश्चन नंबर 10 लिखा है, इसको नोट कर लें। ये क्वेश्चन नंबर 10 का अथवा वाला प्रश्न का उत्तर लिखा गया है। और उसके बाद में अगला क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ से आप लोग नोट कर लें। ये क्वेश्चन नंबर 11 लिखा है, ये क्वेश्चन नंबर 11 का अथवा वाला प्रश्न का उत्तर लिखा गया है। तो आप सभी लोग यहाँ से इन प्रश्नों को नोट करते चले। टोटली प्यारे विद्यार्थियों, आपका एक भी क्वेश्चन इसमें से नहीं छूटेगा। पूरा का पूरा फुल सॉल्यूशन आपको मैं यहाँ पर देने वाला हूँ। अगला क्वेश्चन ये लिखा है, वैज्ञानिक वानिकी क्या है। तो यहाँ से आप लोग इसको नोट कर लें। उसके अलावा प्यारे विद्यार्थियों, अथवा में क्वेश्चन दिया गया है, आप सभी लोग यहाँ से इसको नोट कर लें। और उसके बाद में अगला क्वेश्चन ये लिखा है, आप लोग यहाँ से इसको देख लें। ये क्वेश्चन नंबर प्यारे विद्यार्थियों 13 दिया गया है और ये 13 का अथवा वाला प्रश्न लिखा गया है। आप दोनों ही प्रश्नों को यहाँ से नोट कर लेंगे। उसके बाद में प्यारे विद्यार्थियों, ये आपका क्वेश्चन नंबर 14 लिखा है। और उसके बाद में आगे बढ़ते हैं, तो 14 का अथवा वाला प्रश्न का उत्तर दिया गया है।
उसके बाद में प्यारे विद्यार्थियों ये लिखा आपका क्वेश्चन नंबर 15, आप लोग यहाँ से इसको देख ले क्वेश्चन नंबर 15 को, और ये क्वेश्चन नंबर 15 का अथवा वाला प्रश्न का उत्तर दिया गया है। उसके बाद में प्यारे विद्यार्थियों क्वेश्चन नंबर 16 लिखा है, और ये 16 का अथवा वाला प्रश्न यहाँ पर आपको दिया गया है। आप दोनों ही प्रश्नों को अच्छे से नोट कर लेंगे। और उसके बाद में प्यारे विद्यार्थियों देखिएगा, ये क्वेश्चन नंबर 18 लिखा है, और ये क्वेश्चन नंबर 18 का अथवा वाला प्रश्न लिखा गया है। और उसके बाद में आगे बढ़ते हैं तो ये प्यारे विद्यार्थियों क्वेश्चन नंबर 19 दिया गया है, और उसके बाद में ये क्वेश्चन नंबर 20 लिखा है, आप लोग यहाँ से इसको नोट कर लें। ये प्यारे विद्यार्थियों वेरी वेरी मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है सभी के सभी जिलों के लिए, आप सभी लोग इसको अच्छे से याद जरूर कर लेंगे। और उसके बाद में आगे बढ़ते हैं तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों ये आपका क्वेश्चन नंबर 21 लिखा है, और उसके अलावा ये 21 का अथवा वाला क्वेश्चन लिखा है, ये 22 लिखा गया है, आप लोग यहाँ से देख लें, और ये 22 का अथवा वाला प्रश्न लिखा है। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों यहाँ तक मैंने आप सभी को पूरा का पूरा क्वेश्चन पेपर अच्छे से समझा दिया है, तो आप सभी लोग इसको अच्छे से याद जरूर कर लें। इसी के साथ में प्यारे विद्यार्थियों अब इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।